वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरसलान शाहिद एंड दिस इज़ लेक्चर 16 फॉर क्लास 5 एंड सब्जेक्ट इज़ साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो फर्स्ट 3 रिकॉल क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। आज हम जो है वो 4, 5 एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर रिकॉल क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर जर्म्स, ठीक है। जर्म्स क्या होते हैं इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि जर्म्स क्या होते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज डिजीजेज आर कॉल्ड जर्म्स, ठीक है। वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल होते हैं और जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज होती हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ठीक है, इस तरह की कोई भी डिजीज़ होती है, तो वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, जर्म्स, ठीक है। जो हार्मफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका कॉज बन सकते हैं, उनको जर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है। अब हमने टू ऐसी जो है वो डिजीजेज बतानी है यहाँ पे जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं और वायरसेस की वजह से होती हैं, ठीक है। तो इसके आंसर को देखते हैं। बैक्टीरिया कॉज कॉलरा, टाइफाइड, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से दो जो होती हैं डिजीजेज उसमें आती है कॉलरा और टाइफाइड, जबकि जो वायरसेज है वायरसेज कॉज इन्फ्लुएंजा और मीजल्स, ठीक है। वायरसेस की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, इन्फ्लुएंजा होता है और मीजल्स होती हैं, जब वायरसेस अटैक करते हैं बॉडी पे, और जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो कॉलरा या टाइफाइड, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी होती हैं लेकिन हमने चूँकि टू डिजीज ही मैंशन करनी थी, तो बैक्टीरिया की वजह से कॉलरा एंड टाइफाइड, वायरसेज की वजह से इन्फ्लुएंजा एंड मीजल्स। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज why do we use weakened or killed germs as vaccines, ठीक है। ये जो weakened germs और या killed germs होते हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस में, इनको ही क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी हमने रीज़न बतानी है। तो इसका आंसर देखते हैं। killed और weakened germs आर यूज टू प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इट। अब जब killed या weakened germs होता है, जैसे ही वो बॉडी में एंटर होता है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो खुद को प्रिपेयर करते हैं इस weakened एंड killed germs के खिलाफ लड़ने के लिए। चूंकि ये किल्ड होता है या वीकेंड होता है, बहुत वीक होता है, तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इजीली इसको किल कर लेते हैं। उसे होता क्या है कि द बॉडी इज रेडी टू फाइट मोर जर्म ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। इसी तरह के जब दूसरे जर्म्स दोबारा बॉडी में कभी इंटर हों तो बॉडी पहले ही रेडी होती है, क्योंकि बॉडी ने पहले जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन्होंने इनके खिलाफ लड़ लिया होता है या इनके खिलाफ जो है अगेंस्ट फाइट कर ली होती है, इसलिए बॉडी अब इम्यून हो जाती है इस जर्म्स के खिलाफ। तो बॉडी जो है वो जैसे ही ये इंटर होते हैं ऑलरेडी जो होती है इस तरह के जर्म्स के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी होती है, एंड बॉडी बिकम इम्यून टू डैट पर्टिकुलर जर्म। तो इस तरह का जब कोई भी जर्म दोबारा इंटर होता है तो बॉडी उसको किल कर लेती है इजीली, क्योंकि हमने पहले ही वीकेंड और किल्ड जर्म जो है वो बॉडी में इंटर किया था वाइट ब्लड सेल्स ने, ठीक है, उसको पहले ही किल कर दिया था और उनको उनकी स्पेसिफिकेशन भी जर्म्स की पता चल गई थी। अब जैसे ही जर्म्स इंटर होते हैं दोबारा तो वाइट ब्लड सेल्स इजीली इनको किल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन का है। व्हाई इज इट डेंजरस टू लेट योर पेट लिक योर फेस और ईट फ्रॉम योर प्लेट। अब जो हमारे पेट्स होते हैं, हमें उनको, हमने प्रीवियसली जब इसकी रीडिंग कर रहे थे चैप्टर की यूनिट की, तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि हमें जो हमारे पेट्स होते हैं उसको हमारे फेस को लिक नहीं नहीं देना चाहिए, या हमारी जो प्लेट्स होती हैं या जो कोई भी हम बर्तन यूज़ करते हैं उसमें से भी उसको खाने नहीं देना चाहिए। तो इसकी क्या रीज़न है, क्यों हम ऐसा करते हैं या हम ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। दे कंटेन हार्मफुल जर्म्स विच कैन मेक अस इल, ठीक है। जो हमारे पेट्स होते हैं या जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं उनमें भी जर्म्स होते हैं, तो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था कि जर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं टच करने से। कोई भी ऐसा इंसान या एनिमल जिसके मतलब जिसके जो जर्म्स कंटेन करता है वो जब भी किसी चीज़ को टच करता है तो वहाँ पे जर्म्स ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, जर्म्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जब भी आपका कोई पेट है वो आपके फेस को लिक करेगा, ठीक है, या आपकी प्लेट में से खाएगा, तो वो जो जर्म्स उसके साथ होंगे वो आपके फेस पे या प्लेट पे आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जर्म्स आपकी बॉडी में इंटर हो जाएंगे, इंटर होके वो आपको जो है वो इल कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि दे कंटेन हार्मफुल जर्म्स विच कैन मेक अस इल। आपके जो यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें आपने जो रिकॉल क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन मेमोराइज करने हैं, क्योंकि आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन का 1 एंड 2, तो इनको आपने मेमोराइज करना। ऑप्सो आपने प्रीवियसली जो हमने क्वेश्चन किए थे रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड वाले और रिकॉल क्वेश्चन वाले, वो आपने मेमोराइज कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए काइंडली वो भी इनको कर लें।
इस जो चैप्टर है इसका प्रोजेक्ट देखते हैं कि इसके प्रोजेक्ट में क्या करना है। इसका प्रोजेक्ट सिंपल है, जो प्रीवियसली हमने किए थे उसका थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट है। राइट थ्री स्लोगन्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी। अब अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ना डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोगन होते हैं, ये आपको गूगल से भी मिल जाएंगे, ठीक है, नेट से कहीं से भी मिल जाएंगे, आप किसी भी अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो आपने थ्री स्लोगन्स लिखने हैं, जिस तरह मैं एक स्लोगन की एग्जाम्पल देखता हूँ देता हूँ यहाँ पे, ये देखेंगे मैंने एक लिखा है, ईट अ हेल्दी मील टू हेल्प योर बॉडी हील, यानी कि जो हेल्दी फूड है वो खानी चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो हील कर सके, ठीक है। ईट अ हेल्दी मील टू हेल्प योर बॉडी हील, रेस्ट टू रेस्क्यू। इसी तरह ये वन स्लोगन है, ये टू स्लोगन है, इसी तरह के आपने टोटल थ्री स्लोगन्स लिखने हैं, ठीक है। थ्री लिखने के बाद आपने क्या करना है कि एक छोटा सा पोस्टर बनाना है, बेशक ए फोर साइज बना लें, ए फोर साइज बहुत छोटा हो जाएगा, आप किसी भी कार्ड पे लिखने हैं उनके ऊपर आपने अच्छे से लिखना है, और क्लासेज में लेके आना जब आपका जो है वो ओपन होगा स्कूल। तो इस ये यूनिट थ्री हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह यूनिट फोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक।